इलेक्ट्रिक सर्किट चिल्ड्रन, लेट्स कम टू इलेक्ट्रिक बल्ब। द बेस्ट थिंग इज बल्ब को कैसे पढ़ना है, आप अपने बल्ब को साथ में रखिए। बल्ब कौन सा वाला जो पहले मिलता था ना, 40 वॉट 60 वॉट, ये वाला बल्ब। ठीक है, कीप दिस बल्ब विद यू एंड देन लेट इट केयरफुली, उसे हाथ में पकड़ के देखो, पकड़ो ठीक से, गुड। नाउ इलेक्ट्रिक बल्ब इज मेड अप ऑफ वेरी फाइन क्वालिटी ग्लास, आप इसके अंदर देख सकते हो, क्यों? क्योंकि बहुत ही पतले ग्लास से बना है एंड ग्लास इज ट्रांसपेरेंट। हम सबको बताया ना ग्लास इज ट्रांसपेरेंट, फाइन। नेक्स्ट, जो इसका बेस है, बेस मीन्स एंड, मेरे को इधर से मेटेलिक कैप, एक मेटेलिक टिप है इसकी, मेटेलिक टिप बनी हुई है ना, आप अपने बल्ब में देखो नीचे की तरफ एक मेटेलिक टिप होती है, क्यों होती है? क्योंकि उसी एंड से जो है बल्ब वायर से अटैच होता है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आप बल्ब के अंदर आते हैं, बल्ब के अंदर देखोगे एक कॉयल सा स्ट्रक्चर है, कॉयल मीन्स ऐसे घुमा हुआ सा स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड फिलामेंट। याद आया ये और कहाँ होता है? इफ यू नो कि फिलामेंट हम और कहाँ यूज करते हैं, प्लीज राइट इन द कमेंट बॉक्स। ठीक, मैं बताती हूँ कहाँ यूज करते हैं। पहले तो फिलामेंट कॉइल्ड होता है, ठीक है, और ये किसका बना होता है, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। दिस स्मॉल वायर इज मेड अप ऑफ टंगस्टन, व्हाट वी कॉल टंगस्टन, फाइन। सो टंगस्टन की खास बात क्या होती है, गोल्ड का क्यों नहीं बना होता ये, सिल्वर का क्यों नहीं बना होता ये, और किसी का क्यों नहीं बना होता? क्योंकि टंगस्टन की खास बात ये होती है बेटा, टंगस्टन बहुत हॉट हो सकता है मगर टंगस्टन मेल्ट नहीं होता, इट नेवर मेल्ट्स। ठीक है, तो जैसे ही आपका बल्ब हॉट होता है, आपको पता है ना बल्ब हॉट हो जाता है, कभी टच करके देखा है इनकेस, तो आप जल भी सकते हो। ठीक है, अब जो नए सीएफएल्स आते हैं उनमें नहीं होती, उनमें ये नहीं होता बेटा, लेकिन अर्लियर जो बल्ब्स होते थे दे हैव टंगस्टन वायर, उसमें टंगस्टन वायर होता था और वो रेड हॉट हो जाता है, ठीक है, जिससे बल्ब ग्लो होता है। ठीक, नेक्स्ट खास बात क्या होती है टंगस्टन की, दैट इट गेट्स हीट अप और यही ग्लो करता है। ठीक है, ये कभी मेल्ट नहीं होता, दिस नेवर मेल्ट। ठीक है, हाँ मगर ये टूट सकता है, ठीक, ये हो सकता है जब हमसे हम कहते हैं बल्ब फ्यूज हो गया, तो बल्ब फ्यूज मीन्स ये वायर टूट जाता है, बट इट नेवर मेल्ट। एक और एग्जांपल बताती हूँ, अर्लियर जो पहले जमाने में हीटर यूज करते थे बेटा, जिसपे खाना बनाते थे, देखो ये वाला हीटर, इसमें जो कॉइल यूज करती थी दे आर ऑल्सो ऑफ टंगस्टन, तो देखो ये रेड हॉट हो जाते हैं मगर ये मेल्ट नहीं होते। ठीक, नाउ नेक्स्ट कम टू, ये जो टंगस्टन की वायरिंग होती है बेटा, ये बहुत वायर पतला है, ठीक है, इसलिए इसको सपोर्ट देने के लिए देर आर टू सपोर्टिंग वायर्स यूज, देखो रेड कलर के जो सपोर्टिंग वायर है ना, सो दीज टू सपोर्टिंग वायर्स आर यूज, जिसमें एक एंड जो है दैट टच इज द मेटेलिक टिप, और क्यों मेटेलिक टिप को टच कर रहा है, क्योंकि वहीं से तो इलेक्ट्रिक करंट आएगा ना, तो ये तार क्या होगा, ये जो वायर होगा वो इलेक्ट्रिक टिप, ये जो वायर होगा बेटा ये मेटेलिक टिप से करंट को ले जाएगा और टंगस्टन वायर को देगा, जहां पे टंगस्टन वायर ग्लो करेगा, जैसे ही टंगस्टन वायर हॉट होगा तो बल्ब आपका ग्लो करेगा। एंड व्हिच गैस इज फिल्ड इनसाइड द बल्ब, कौन सी गैस होती है जो ग्लो करती है, जो बल्ब जलता है ना ग्लो करता है, वो ग्लो कौन सी, देयर इज अ गैस फिल्ड इनसाइड द बल्ब, कौन सी गैस होती है मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताओ, एंड दैट गैस नेम एज आर्गन, सो आर्गन इज दैट गैस विच इज फिल्ड इन द बल्ब, उसकी खास बात क्या होती है कि वो ग्लो करती है, ग्लो मीन्स वो चमकती है। ठीक है, नाउ फाइन, सो इन दिस वे यू अंडरस्टूड अबाउट बल्ब, सो बल्ब इट इज मेड अप ऑफ ग्लास एंड इट हैज अ मेटेलिक टिप, इट हैज अ कॉइल्ड वायर नोन एज फिलामेंट, and it is made up of tungsten which is supported by two supporting wires। ठीक, जब tungsten जो है वो टूट जाता है तो उसे हम कहते हैं bulb is fused। okay, so same thing children I have written it here also, see this one now, it is made up of glass with metallic base, it contains tungsten, इस तरीका है ना जिसे हम कहते हैं filament, यही filament glow करता है। ठीक है, यही filament हॉट हो जाता है, एंड विच गैस इज फिल्ड, दैट गैस इज नोन एज आर्गन, ये गैस होती है बेटा जो बल्ब में फिल होती है। ठीक है, फिलामेंट जो होता है बहुत पतला होता है, तो इट इज सपोर्टेड बाय टू थिक वायर्स, जिसका एक एंड जो है दैट अटैचेस द बेस, वेयर एज द अदर एंड होता है वो मेटेलिक केस को टच करता है। ठीक,
फिलामेंट ब्रोकन हो जाता है तो बल्ब फ्यूज हो जाता है. ठीक. सो व्हाट वी हैव लर्न, वी हैव लर्न अबाउट सेल एंड वी हैव लर्न अबाउट बल्ब. अब सेल और बल्ब को जोड़ देते हैं. ठीक. तो क्या बन जाएगा, इलेक्ट्रिक सर्किट. तो हम क्या पढ़ेंगे अब, इलेक्ट्रिक सर्किट. हमने इलेक्ट्रिक सेल, अब सेल और बल्ब को जोड़ देते हैं तो दोनों को जोड़ने के लिए क्या चाहिए, वायर. करेक्ट. तो दोनों के लिए क्या चाहिए, वायर. और दोनों को जब हम जोड़ेंगे वायर के साथ जो जो बन जाएगा उसे हम कहेंगे इलेक्ट्रिक सर्किट. तो अगर मैं पूछूं व्हाट इज इलेक्ट्रिक सर्किट, तो इलेक्ट्रिक सर्किट वो पाथ है, वो रास्ता है बेटा जिसपे इलेक्ट्रिक करंट दौड़ता है. ठीक. सो इलेक्ट्रिक सर्किट क्या हुआ, अभी हमने बल्ब पढ़ा था, हमने सेल पढ़ा, दोनों को किससे जोड़ा हमने, वायर से. तो तीन चीजें हो गई ना हमारे पास, बल्ब, वायर और हमारा सेल. अब तीनों को जोड़ेंगे तो तीनों को जोड़ के जो रास्ता बना दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. सो कंप्लीट पाथवे फॉर द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट. देखो ये इलेक्ट्रिक सर्किट है. ठीक है, समझ में आया. इसमें क्या है, देखो इसमें एक बल्ब है, एक सेल है और क्या है, वायर है. तो दीज आर नोन एज कनेक्टिंग वायर. कभी कभी क्या करते हैं हम इसमें एक छोटा सा स्विच भी लगा देते हैं. तो क्या करते हैं, वो टर्न ऑफ और ऑन करता है बल्ब. स्विच ऑन किया है, ऑन तो इसका मतलब करंट फ्लो कर रहा है. ठीक है, पाथ कंप्लीट है. और अगर मैंने ऑफ किया है तो इसका मतलब पाथ ब्रेक हो गया है, बल्ब नहीं जलेगा. ठीक. तो सी नाउ, नाउ तो हेयर कम्स टू वर्ड, वन इज नोन एज क्लोज सर्किट, अदर इज नोन एज ओपन सर्किट. क्लोज मतलब सारे अटैचमेंट हो गए हैं. सी दिस वन, इन दिस सर्किट कैन यू सी दैट बल्ब भी, सेल भी और वायर सब आपस में कनेक्टेड हैं. सो दिस सर्किट इज नोन एज क्लोज सर्किट. क्लोज सर्किट मीन्स कोई ब्रेक ना हो. ठीक. अब सी द नेक्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड ओपन सर्किट. नाउ दिस वन इज कॉल्ड ओपन सर्किट. क्यों कहेंगे ओपन सर्किट, क्यों, क्योंकि इसमें एक टर्मिनल ऐसा है बेटा जो खुला हुआ है. और टर्मिनल अगर खुला हुआ है तो क्या होगा, पूरा पाथ इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल पाएगा और बल्ब नहीं ग्लो करेगा. ठीक. सो लेट्स कम अगेन टू द डेफिनेशन, वी हैव क्लोज सर्किट एंड ओपन सर्किट. तो क्लोज सर्किट मीन्स विद नो ब्रेक इन बिटवीन, वेयर एज ओपन सर्किट मीन्स इट हैज अ ब्रेक इन इट्स कनेक्शन. कहीं ना कहीं ब्रेक जरूर होगा. तो बताओ ओपन सर्किट में बल्ब ग्लो करेगा, हाँ या ना, नहीं. अगर सर्किट ओपन होगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा, और सर्किट अगर क्लोज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा. फाइन. और अगर सर्किट कैसा होगा, सर्किट मेरा क्लोज होगा तो बल्ब ग्लो करेगा. फाइन. और सर्किट अगर ओपन है तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा. ठीक. सो लेट्स सी, इसको थोड़ा और डिटेल में देखते हैं. नाउ इन दिस यू कैन सी इट इज अ क्लोज सर्किट, बल्ब इज ग्लोइंग. So it is a closed circuit. Now it's an open circuit. So closed circuit and open circuit. Here comes a battery and wire. So it is again a closed circuit. If circuit is closed, bulb glows. Like here, bulb is glowing, children. Now in this case, the glow of bulb is controlled by switch. With the help of switch, we are controlling the glow of bulb. And what it requires? It also requires switch, battery, bulb and wires. देखो कैसा है ये सर्किट, ओपन है कि क्लोज है? And the correct answer is open circuit. तो आंसर क्या लिखोगे? Bulb will not glow. Correct. Very correct, children. Second पे आओ. Second circuit कैसा है? दोनों ही एंड, एक सर्किट को कंप्लीट होने के लिए एक एंड जो कहाँ होना चाहिए, कहाँ होना चाहिए बच्चों, पॉजिटिव पे, और एक एंड कहाँ होना चाहिए, नेगेटिव पे. लेकिन दोनों ही एंड कहाँ लगे हुए हैं, तो पॉजिटिव तो खुला ही हुआ है. ठीक है, मगर ये तो रॉन्ग है, क्योंकि हमने क्या सीखा है कि जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो मूव करती है पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना. इलेक्ट्रॉन्स फ्लो करते हैं ना,
तो इसका मतलब दोनों तरफ से वायरिंग अटैच होनी चाहिए। तो सेकेंड इज ऑल्सो रॉन्ग, रॉन्ग मीन्स इट इज ऑल्सो ओपन सर्किट एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक, नेक्स्ट कम टू द थर्ड वन, थर्ड पे आते हैं। सी द थर्ड वन, दोनों ही जो वायर है वो किससे अटैच हो गए, पॉजिटिव से। जब दोनों पॉजिटिव से ही अटैच हो गए बेटा, तो नेगेटिव तो बिल्कुल ही फ्री है, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे जाएगी, नहीं जा सकती, बल्ब विल नॉट ग्लो। ठीक, आओ फोर्थ पे आते हैं। फोर्थ पे देखो एक एंड इसका नेगेटिव से जुड़ा है, एक एंड पॉजिटिव से जुड़ा है एंड सर्किट बिल्कुल सही बना है। सो दिस इज द करेक्ट सर्किट एंड बल्ब ग्लो। ठीक, चलो फिफ्थ पे आते हैं। फिफ्थ पे एक ही तरफ की वायरिंग की है, डू यू थिंक बल्ब विल ग्लो? नो, इट विल नॉट ग्लो। क्यों? क्योंकि सर्किट इज इनकम्प्लीट। ठीक, कम टू द नेक्स्ट वन। इन द सिक्स्थ ऑल्सो सर्किट इज इनकम्प्लीट एंड बल्ब विल नॉट ग्लो। और कैसे ग्लो कराओगे? इस जो खुला हुआ एंड है इसको आप नेगेटिव से जोड़। तो देखो नेक्स्ट में देखो, एक तरफ का वायर पॉजिटिव से जुड़ा है, एक तरफ का वायर नेगेटिव से जुड़ा है एंड दिस इज द करेक्ट सर्किट। ठीक, एंड द बल्ब विल ग्लो। सो दीज आर सम ऑफ द रिविजन, आई होप इट इज अंडरस्टूड टू यू, समझ में आ गया। कैन यू मेक अ स्मॉल सर्किट? नाउ यू ऑल्सो ट्राई टू मेक अ क्लोज सर्किट बाय योर सेल्फ एंड देन ट्राई टू मेक अ ओपन सर्किट बाय योर सेल्फ।